नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। हालात को देखते हुए शिवराज सरकार एक्शन में मोड में है। बता दें कि सरकार ने आज कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जहां इस बैठक में बाढ़ और भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत कामों पर चर्चा की गई। इस मीटिंग के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बांध टूटने जैसी अफवाह ना फैलाए, अफवाह रोकने और लोगों को सतर्क करने के सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। मंत्री यशोधरा राजे ने बिजली आपूर्ति बहाल करने पर भी जोर दिया। ज्यादातर स्थानों पर पानी कम हो गया है, बारिश रुकी हुई है और राहत कार्यों में तेजी आई है। तो ये उस बैठक की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिवराज सरकार की ये कैबिनेट बैठक, जिसमें राहत बचाव कार्य जो किए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई। कई जिलों में बाढ़ ने जो तबाही मचाई है, इमरजेंसी बैठक इसको लेके बुलाई गई थी। भोजन की व्यवस्था करते रहना है और इसके बाद हम सूखे राशन की भी व्यवस्था करेंगे। एक व्यवस्था तत्काल हम उन परिवारों को जिनमें नुकसान पहुंचा है, पानी घुसा है, वो 50 किलो गेहूं पर फैमिली, वो अलग से देने की हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो तात्कालिक सहायता है, बाकी सब काम हम लोग करेंगे। सबसे जरूरी चीजें जिनके घर गिर गए उनको छत की व्यवस्था करवाना। तो सभी प्रभारी मंत्री और कलेक्टर्स इस पर ध्यान दें कि उनको छत की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है, अगस्त के महीने में भी पानी गिरेगा। तो जहां भी जो बिल्डिंग हो सुरक्षित, उन बिल्डिंग्स में जब तक रखना आवश्यक हो वहां उनको रखने की व्यवस्था करें। बाद में हमको सोचना पड़ेगा कि 2-2.5 महीने के लिए क्या व्यवस्था करें, क्योंकि मकान अगर बनाना भी है तो मकान तत्काल नहीं बनेगा। मकान बनने में तो जिनका मकान गिर गया समय रहेगा। और वहीं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। इस जीत में मध्य प्रदेश के भी दो खिलाड़ियों विवेक सागर और नीलकांता शर्मा ने भी कमाल किया है। दोनों खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार 1-1 करोड़ का इनाम देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मैच के बाद इसकी घोषणा की है और ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ट्वीट कर जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने ये ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय हॉकी टीम में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इन दोनों खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि मध्य प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में इतिहास रच दिया है। टीम ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में जर्मनी को 5-4 से हराया। हॉकी टीम ने 1980 के बाद मेडल जीता। ये ओवरऑल ओलंपिक इतिहास में हॉकी का हमारा 12वां मेडल है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये ट्वीट, जिसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी गई है और सम्मान निधि की घोषणा की हुई है। और वहीं प्रदेश में आई बाढ़ की वजह से हालात काफी भयावह हैं, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बाढ़ से प्रदेश के कई क्षेत्रों में भयानक तबाही है। पिछले 70 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी। श्योपुर शहर में 20-20 फीट पानी है। रतनगढ़ वाली माता पुल और सनकुआ पुल के ऊपर भी पानी बह रहा है, जिस वजह से बड़ी संख्या में घरों के चारों तरफ पानी बह रहा है। और मुख्यमंत्री चौहान ने भी कहा कि कभी कभी ऐसा मौका आता है जब जी जान से काम करने की आवश्यकता होती है। इस समय वो मौका है अपनी पूरी ताकत से सामाजिक संगठनों और सभी का पूरा सहयोग लेते हुए बाढ़ प्रभावितों के लिए कार्य करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राहत शिविरों के अलावा बाढ़ प्रभावित बस्तियों में भी भोजन, स्वच्छ जल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। टूटे मकानों मरम्मत इनकी करवाई जाए, बिजली की आपूर्ति बहाल करना, टूटे हुए पुलों को दुरुस्त करवाना, संचार व्यवस्था को बहाल करना जैसे कामों को युद्ध स्तर पर किया जाए। और वहीं मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात काफी ज्यादा भयावह हैं, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफी अलर्ट है और हालातों को सुधारने और लोगों की मदद के लिए काम कर रहे हैं। इसी को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में भयावह स्थिति बनी हुई है और इस बाढ़ से 11,050 लोग अभी भी प्रभावित है, जब अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों को
रेस्क्यू किया जा चुका है और 7 शिविरों में 12,000 लोग रह रहे हैं, जिनके खाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि शिवपुर में चंबल नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि मुरैना में 6 मीटर और भिंड में 4 मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने ओलंपिक में भारत के पदक जीतने पर कहा कि 41 साल बाद भारत की टीम ने गौरव बढ़ाया है और ये सब पीएम मोदी के हौसला अफजाई का परिणाम है कि आज भारतीय खिलाड़ियों ने भारत का मान बढ़ाया है। शिवपुरी जिले के ग्वारा टीला गांव से 13 लोगों को बाहर निकाला है। शिवपुरी जिले के काली पहाड़ी में कुछ लोगों को अभी और निकालने की कोशिश हो रही है। दतिया में भी कल 33 के लगभग लोगों को रेस्क्यू के द्वारा निकाला था। अब हमारे वहां पर 60 राहत के शिविर चल रहे हैं। राहत शिविरों में लगभग 12,000 लोग वर्तमान में हैं। शिवपुर से मुरैना मार्ग चालू हो गया है। शिवपुरी से जो लिंक मार्ग था शिवपुर का, और वहीं भिंड जिले में लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं इस दौरान मंदिर के 2 पुजारी बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी सतीश कुमार एस, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने एनडीआरएफ की टीम को बुलवाया, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने 24 घंटे के बाद बाढ़ में फंसे 2 मंदिर के पुजारी रामहित और रामचरण को सुरक्षित निकाला है। जो नदी से लगे हुए गांव थे उन ग्रामीणों से लगातार संपर्क में था और प्रशासन से भी लगातार संपर्क में था। ककारा ये अभी अतरसमा में 2 लोग नीचे की तरफ एक मंदिर में फंस गए थे, तो 2 दिन से वहीं थे ये, तो उन दोनों लोगों को निकाल लिया गया है। अब ककारा में 3 लोग हैं, उसके बाद जखमोली, टहनगोर और धाकापुरा उधर भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, ये टीम वहाँ भी लेकर जा रहे हैं। तो मतलब भगवान से, ईश्वर से यही कामना है कि कोई हमारे यहाँ क्षति ना हो। प्रशासन ने इन्हें रेस्क्यू करके बचा लिया है और अभी माननीय विधायक महोदय भी हैं और कलेक्टर साहब भी हैं, तो यहाँ हेलीकॉप्टर भी बुलाया गया था, तो हेलीकॉप्टर भी था और बोट भी थी, लेकिन बोट द्वारा इनको निकाल लिया गया है और आगे जो 2-3 गांव हैं वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। और वहीं बिजली की महंगी दरों और बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट बिजली मिलती थी, लेकिन अब हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि बिजली का बिल ज्यादा आए तो भरने की जरूरत नहीं है, बिजली कटेगी तो हम देखेंगे। और वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने यह भी बताया कि आज हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस महंगी बिजली के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। सरकार की मनमानी को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। बिजली के दामों को लेकर कांग्रेस आज सड़कों पर है, आप देख सकते हैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, जिलाध्यक्ष सभी सड़कों पर है, बिजली के बड़े दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व मंत्री शर्मा जी, सर बड़े हुए दरों को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कारण है? ये बिजली के बिल आ रहे हैं 2,000 18,000 के बिल लोगों के आए हैं, इस सब के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। आज यहाँ भोपाल में कैलाश मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का बिल आता था, चाहे वो झुग्गी वाला हो चाहे महल वाला हो। और उसके पहले जब बिजली के बिल ज़्यादा आते थे तो शिवराज सिंह चौहान जी बस्तियों में जाते थे, कहते थे बिजली का बिल मत देना, लेकिन हम कह रहे हैं लोगों से आज कि बिजली का बिल मत देना, और बिजली का कनेक्शन काटे तो बताना कांग्रेस जन वहाँ पर आएंगे। और बिजली के इंजीनियर से भी कहना चाहता हूँ कि कनेक्शन काट मत देना, नहीं तो तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा। और ये पूरा मुद्दा सड़क से लेके सदन तक कांग्रेस पार्टी उठाएगी। लॉकडाउन के अंदर इतने बड़े बड़े बिल, जब काम धंधे बंद, लोगों की नौकरियां चली गई, काम बंद है, ये सब अन्याय कर रही है शिवराज जी सरकार, इसका मुकाबला करेंगे। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, भले बिजली की बात करें या अन्य मुद्दों की भी, किस तरह से घेरने का प्रयास है? निश्चित रूप से सुबह जब 6 बजते हैं तो पेट्रोल डेली बढ़ जाता है, डीजल बढ़ जाता है, और जब महीने की अंतिम 30 तारीख होती है तो गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं। अभी 4 दिन पहले सिलेंडरों के दाम बढ़े,
हाँ कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़े, हमेशा डीजल पेट्रोल रोजाना बढ़ता है। देश में जब डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो देश में महंगाई की मार पड़ती है। आज देश में महंगाई किस कदर है हर घर को मालूम है। जिस घर का बजट अगर 10,000 का था तो वो 15,000 रुपये वहाँ खर्च होने लगे हैं। आम जनता, गरीब जनता परेशान है जी। बिल्कुल, तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बिजली के बिले बड़े दामों को लेकर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब सड़कों से लेकर सदन तक जो सरकार है उसे घेरने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।